और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं। मेरे को आंकड़ों की चिंता नहीं है, मुझे आपकी सेहत की चिंता है। आज पूरे देश के लोग अपना इलाज कराने दिल्ली के अंदर आते हैं, अपने कुछ साथी कुछ लोग दिल्ली के कुछ लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। जब पूरी दिल्ली में टेस्टिंग इतनी फ्री कर रखी है, पूरी दिल्ली में जगह जगह टेस्टिंग कर रखी है, तो टेस्टिंग क्यों नहीं कराते हैं? सबको नमस्कार। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में कोरोना के केसेस थोड़े बढ़े हैं, जिसको लेके कुछ लोगों ने चिंता जाहिर की है। कल दिल्ली में 2914 केस आए थे। मैंने कई एक्सपर्ट से पिछले दिनों में बात की, कुछ कहते हैं कि ये सेकंड वेव है, कुछ कहते हैं सेकंड वेव नहीं है, पर ये टेक्निकल बातों को अगर हम साइड में रख दें तो पिछले कुछ दिनों में मैंने सारी डेटा का, सारी परिस्थितियों का, सारी तैयारियों का जायजा लिया है और मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि अभी चिंता की कोई बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। और मैं पिछले 4-5 महीने में जब से कोरोना की महामारी फैली है, मैं समय समय पे आपके सामने आके सारी स्थिति पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने रखता हूँ। जून के महीने में जब स्थिति थोड़ी खराब हुई थी, हमने ही आपके सामने आके कहा था कि स्थिति थोड़ी खराब हो रही है, 31 जुलाई तक केसेस ज़्यादा हो सकते हैं, इसीलिए अब हम सब लोगों को कमर कसने की ज़रूरत है। लेकिन आज इन सारी स्थितियों का जायजा लेने के बाद ही मैं आपको पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन लापरवाही का कोई स्कोप नहीं है। पहले आपको आज की जो स्थिति है उससे मैं अवगत करा दूं। जब जब कोरोना की बात हुई है, मैंने हमेशा कहा कि आपको कोरोना हुआ और आप ठीक हो गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा है कि कोरोना की वजह से मौत नहीं होनी चाहिए। कल 2914 केस हुए और केवल 13 लोगों की मौत हुई, 13 की भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन 13 लोगों की मौत पूरे देश तो क्या पूरी दुनिया के अंदर ये आंकड़ा सबसे कम है। इसका मतलब अगर कल कल का डेथ रेट देखें तो 0.4% डेथ रेट है कल का। परसों 2737 केस हुए, 19 लोगों की डेथ हुई, इसका मतलब 0.6% डेथ रेट है परसों का, अगर डेली का देखा जाए। इसको हम कंपेयर करते हैं जून के महीने से, जून में इतने ही केस, 27 जून को लगभग 3000 केस दिल्ली में हुए थे, 2900 केस दिल्ली में हुए थे 27 जून को, और उस दिन 66 डेथ हुई थी। जून के महीने में डेली एक समय आ गया था जब 100 से ज्यादा डेथ हो रही थी, और आज उतने ही केस अगर हैं, उतने ही केस होने पे केवल 10 से लेकर 20 के बीच में डेथ हो रही है। 15 अगस्त से आज तक का अगर डेटा देखें तो दिल्ली में 1% फेटेलिटी रेट है, मतलब अगर 100 लोग बीमार होते हैं तो उसमें से एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये डेटा 1.7% है। तो दिल्ली की स्थिति काफी ठीक है। दिल्ली में डेथ्स को कंट्रोल करने के लिए हमने कई कदम उठाए। दिल्ली के एक एक हॉस्पिटल, चाहे वो प्राइवेट था, चाहे सरकारी था, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का था, चाहे स्टेट गवर्नमेंट का था, चाहे एमसीडी का था, हमने डॉक्टर्स की टीम बना के एक एक हॉस्पिटल की ऑडिट की कि इस हॉस्पिटल में अगर ज्यादा डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है। और हमारी उन डॉक्टर्स की टीम ने बहुत शानदार काम किया, कई जगह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स की वजह से डेथ ज्यादा हो रही थी, उनको ठीक किया गया। अफसरों ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उन सभी डॉक्टर्स को, उन सभी ऑफिसर्स को और उन सभी हॉस्पिटल्स को जिन्होंने कॉपरेट किया डेथ्स को कम करने के लिए, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी वजह से आज केसेस अगर ज्यादा हैं लेकिन डेथ
दिल्ली के अंदर कम हो रही है, लोग बीमार हो रहे हैं लेकिन बहुत जल्दी ठीक हो रहे हैं, ठीक होने की दर भी दिल्ली के अंदर अब 87% लोग अभी तक ठीक हो चुके हैं, जितने 100 लोग अगर बीमार हुए तो 87 लोग ठीक हो चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ये 77% है, दिल्ली में ये 87% है। अब इस पे आते हैं कि आखिर नंबर क्यों बढ़ रहे हैं दिल्ली के अंदर, उसका सबसे बड़ा कारण है हमने टेस्टिंग बढ़ा दी है बहुत ज्यादा। अभी हफ्ता भर पहले तक हम 18,000 17,000 20,000 के करीब रोज टेस्ट किया करते थे, हमने एकदम से 40,000 कर दिए टेस्टिंग। इसे आप एक तरह से कोरोना के खिलाफ एक बहुत बड़े हमले के रूप में देख सकते हैं कि हमने कोरोना के ऊपर एक तरह से हमला छेड़ दिया है, डबल टेस्टिंग कर दी है। मेरे को आंकड़ों की चिंता नहीं है, मुझे आपकी सेहत की चिंता है। आज अगर मैं 40,000 से वापस 20,000 कर दूं टेस्ट तो ये 2900 की जगह 1,500 आ जाएंगे, 1600 आ जाएंगे, हम कहेंगे कि बड़ा अच्छा आंकड़ा है दिल्ली का, तो बड़ा अच्छा आंकड़ा है। मेरे को आंकड़े ठीक नहीं करने, मुझे आपकी सेहत ठीक करनी है। मेरा बस चले अगर तो दिल्ली के एक एक आदमी का मैं रोज टेस्ट करा दूं, जो बीमार मिले उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना मेरा फर्ज है। इसलिए अगर ज्यादा लोग भी अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं, ज्यादा टेस्टिंग करेंगे ज्यादा लोग आइडेंटिफाई होंगे जो भी बीमार हो रहे हैं, उन ज्यादा लोगों को अगर हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं तो एक तरफ हम उन तक अपनी स्वास्थ्य सेवाएं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाते हैं, उनको ठीक करने में मदद भी करते हैं, और दूसरी तरफ उनको आइसोलेट करके उनकी वजह से दूसरों को जो संक्रमण हो सकता था उसको रोकने का प्रयास करते हैं। तो ये जो हमने डबल टेस्टिंग की है, डबल कर दिया, 20,000 से 40,000 टेस्ट कर दिए हैं, ये दिल्ली में ज्यादा कोरोना के डेली नंबर आने का सबसे बड़ा कारण है। लेकिन हमें घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा मैंने कहा इस नंबर से घबराने की जरूरत नहीं। जिस दिन मौत बढ़ेंगी, जिस दिन डेथ बढ़ेंगी, उस दिन मुझे ज्यादा चिंता की जरूरत होगी। हमने अभी टेस्टिंग के लिए बाजारों में सेटअप कर दिए, कैंप लगा दिए, बाजारों में कैंप लगा रहे हैं, बस स्टैंड पे कैंप लगा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक पे सब में हमने टेस्टिंग शुरू कर दी है, वीकली बाजार है वहां पे हम कैंप लगा रहे हैं। तो एक अपने तरीके की ये बहुत बड़ी पहल है। याद है जब हमने होम आइसोलेशन किया था कितना विरोध हुआ था, चारों तरफ से विरोध हुआ था, लेकिन अच्छी चीज थी। आज उस होम आइसोलेशन की तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, पूरी दुनिया दिल्ली के होम आइसोलेशन के मॉडल को अपना रही है। अब हमने टेस्टिंग डबल कर दी है बिना किसी के कहे, इसका भी विरोध हुआ, कुछ लोगों ने विरोध किया, इधर उधर विरोध हुआ, लेकिन ये अच्छी चीज है। हम टेस्टिंग डबल कर रहे हैं, इससे एक तरह से हम कोरोना के ऊपर वार कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी चीज है। हमने सबको मनाया है, जिन जिन लोगों का विरोध था सबसे बात की, सबको समझाया, अब सारे एक साथ सब आ गए हैं एक साथ। अब जिन जिन का विरोध था कोई विरोध नहीं है, सब एक साथ आ गए। कुछ मीडिया में मैं पढ़ रहा था कि बेड्स, अस्पतालों के अंदर बेड्स बढ़ गए हैं, दिल्ली के अंदर बेड्स की कमी नहीं है, टोटल 14,000 बेड हैं कोरोना के, अभी 5,000 बेड भरे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दो, इन 5,000 बेड में से लगभग 1600-1700 बेड दिल्ली के बाहर के मरीजों के, अपने देश के दूसरे देश के अन्य हिस्सों से जो हमारे भाई बहन आए हैं दिल्ली बीमारों के, 1600-1700 वो हैं। तो दिल्ली के अपने मरीज 3300 ही हैं, 3000 से 3300 के बीच में पिछले 2-2.5 महीने से इतने ही मरीज हैं, मरीज नहीं बढ़ रहे दिल्ली के। तो उसकी चिंता मत कीजिए, नंबर ज्यादा आ गए, मान लीजिए 2900 पेशेंट हैं, लेकिन मरीज भी नहीं बढ़ रहे, डेथ भी नहीं बढ़ रही, लोग बीमार होकर ठीक हो रहे हैं, बस हमने टेस्टिंग डबल कर दी इसलिए ज्यादा लोगों को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। तो ये मत सोचिए कि दिल्ली में स्थिति खराब हो गई और मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ रही है। पूरे देश भर से आज दिल्ली के अंदर लोग अपना इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, ये खुशी की बात है। पूरे 5 साल में दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी अच्छी कर दी, अस्पताल इतने अच्छे कर दिए, मोहल्ला क्लिनिक इतने अच्छे कर दिए, आज पूरे देश के लोग अपना इलाज कराने दिल्ली के अंदर आते हैं। पूरे देश के लोगों को दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भरोसा है। आपके सबके लिए, दिल्ली के लोगों के लिए गर्व की बात है। हम दिल्ली के लोग
पूरे देश के लोगों की सेवा करने का हम लोगों को मौका मिल रहा है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और आप बेड की चिंता मत करना, बेड सफिशिएंट क्वांटिटी में है, और अगर बाय चांस कमी भी पड़ेगी उसका भी मैंने पूरा प्लान बनाया। मैं पिछले 2-3 दिन में स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ मेरी कई मीटिंग हुई है, उसका भी पूरा प्लान बनाया, अगर जरूरत पड़ेगी उसको भी बढ़ा लेंगे। लेकिन आखिरी बात, पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं अपने कुछ साथी, कुछ लोग दिल्ली के कुछ लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, घर से निकलते हैं मास्क नहीं पहनते, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते, ये बिल्कुल सही नहीं है। हमें काम पे जाना है, इकोनॉमी भी चलानी है, घर भी चलाना है, बच्चों को भी पालना है, कमाई भी करनी है, लेकिन लापरवाही नहीं करनी। घर से बाहर निकलो मास्क पहन के निकलना, घर से बाहर निकलो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करना। और एक बात, कुछ लोग टेस्टिंग नहीं करा रहे। एक आदमी मेरे पास आया, कहता है जी फोन आया उसका किसी और काम से, तो बोला बात बात में बोला कि मेरे को बुखार है 2-3 दिन से। मैंने कहा टेस्टिंग कराई? बोला नहीं टेस्टिंग तो नहीं कराई। मैंने कहा क्यों नहीं कराई? बोला आजकल तो सारे अपने आप ठीक हो जाते हैं, मैं भी ठीक हो जाऊंगा। ये कोई बात हुई? अरे टेस्टिंग कराने में क्या प्रॉब्लम है? वो आदमी अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रहा है और अपने घर वालों को भी कोरोना करेगा, आसपास वालों को भी कोरोना करेगा। जब पूरी दिल्ली में टेस्टिंग इतनी फ्री कर रखी है, पूरी दिल्ली में जगह जगह टेस्टिंग कर रखी है, तो टेस्टिंग क्यों नहीं कराते? टेस्टिंग कराइए, खूब टेस्टिंग कराइए, लापरवाही मत बरतिए। नमस्कार। T5 चैनल पंजाबी, उन्हें सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पे क्लिक करो।